जिले के सिरसोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भावखेड़ी में तालाब योजना के तहत एक परिवार ने मजदूरी की, जिसकी मजदूरी की राशि 40,000 रुपए सरपंच सचिव ने फर्जी मस्टर तैयार कर अपने लोगों को निकलवा दी। जानकारी के अनुसार प्रेम कली पत्नी चिरंजी परिहार ने बताया कि ग्राम पंचायत भावखेड़ी में मूलक खेत तालाब योजना के तहत निर्माण कार्य किया गया था, जिसकी स्वीकृति भी मेरे नाम से है। पूरे परिवार ने मजदूरी की, जिसके फोटो भी हमारे पास है, लेकिन सरपंच कस्बो यादव और सहायक सचिव शिव सिंह जाटव ने अपने अपने परिवार के 30 लोगों के नाम फर्जी मास्टर तैयार कर हमारी मजदूरी की राशि निकाल ली है और हमने मजदूरी की, हमें कुछ नहीं मिला है। इसकी शिकायत 6 अगस्त को की गई, लेकिन सरपंच सचिव शिकायत कटवाने के कहते हैं और धमकी देते हुए कहते हैं कि फांसी लगवा देंगे। साथ ही कहते हैं कि तुम्हारे गांव में गिरिराज परिहार, जो कि तहसील में चौकीदार के पद पर पदस्थ है, उन्हें ग्राम का फर्जी ठहराव प्रस्तुत कर हटवा देंगे। परिवार के लोगों ने मजदूरी का भुगतान कराने की मांग कलेक्टर से की है। क्या समस्या लेकर आते हैं आप यहाँ? हमारे पैसे निकालने चले या खुदवा दे एक, तो फिर पैसे निकालने 40,000 बोल रहे हैं। हमने बोलिए तो बोल रहे हैं, हमने निकाले नहीं है और धमकी भी दे रहे हैं। कौन? सरपंच कह रहा हो तुम, तो वो जो कर लेना, हमारी फांसी लगवा लेना, क्या करो उसे कर लेना। क्या नाम है सरपंच का? लड़का को नाम रामवरण यादव, मम्मी को नाम कम्बू यादव। तो इसकी शिकायत आपने पंचायत ऑफिस में की? भाभी के लिए, सबसे कह लिए, पर कोई सुनवाई नहीं करो। सेक्रेटरी भी और सरपंच भी दोनों मिले जुड़े हैं। कितने पैसे निकाले? 40,000। क्या चाहते हो आप? हमें कोई अभी आप कलेक्टर साहब के पास गए थे, क्या कही उन्होंने? कुछ नहीं कही उन्होंने, पहली बार भी आए तब भी कुछ नहीं कही। अभी कह रहे थे हम जांच कर लेंगे।